फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ अभी रूम से वीडियो बनाने के लिए। और तो भाई जो आज का मेरा टॉपिक है ये दुबई ड्राइविंग लाइसेंस से है। ठीक है, काफ़ी बंदों का मेरे पास मैसेज आ गया। वैसे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट लेके आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ जो मुझे भी नहीं पता वो कमेंट कर रहे, तो मेरे को मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के ऊपर ये कि भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो मैं बताता हूँ आज इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो है दुबई ड्राइविंग लाइसेंस से रहेगा और तीन चार क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं इसमें। ठीक है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर जो आपको अच्छा लगता है तो। और मैंने जैकेट पहना हुआ आज थोड़ा, क्योंकि मैं अभी आया बस रूम से, पानी पिया मैं नीचे आया, क्योंकि आज मैं अपनी गाड़ी की पासिंग कराने के लिए गया था। मेरे गाड़ी के कागज़ फिनिश हो गए थे। ठीक है, और एक साल के बाद बनते हैं, मुल्किया बोलते हैं इधर दुबई में, और वो मैं बनवाया अभी रात को आया। मैं दिन में गया था मैं 2 बजे, और अभी 1:25 हो गया, बहुत टाइम लगा यार आज इधर। ठीक है, लेकिन काम कंप्लीट करने के बाद मैं आया। और ये जैकेट मेरा पुराना ही था, मैं लेके गया था इसीलिए पिछले साल का। तो सबसे पहले एक कमेंट आ रहा था कि भाई आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी बंदों का नहीं करते यार, अभी हाय का रिप्लाई मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर जो मैं आप लोगों को पहले ही बोलता हूँ, अगर जो आप लोगों ने ज़्यादा अर्जेंट है तो यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उधर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हाय का रिप्लाई मैं हाय क्या करूँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करो तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ, नंबर दो बात। दूसरा, एक लड़की बोल रही थी कि आपने अपने सिस्टर को कब बुला रहे हो। ठीक है, गाड़ी आई है तो अभी उसका फाइनल ईयर कंप्लीट है, तो अभी कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो BSc फाइनल ईयर करेगी, उसके बाद में आएगी। ठीक है, ट्राई करूँगा, 90% तो चांस आएगी। ठीक है ना, तो इतने वो कुछ स्किल नहीं सीखेगी, मीन्स जैसे वो टैली वगैरह अभी उसको नहीं आता है, तो अभी जैसे उसका एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद में उसको लैपटॉप वगैरह तो है उसके पास में, यूज़ करती है वो, लेकिन उसके बाद में वो यू क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन था कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी मेरे बारे में तो भाई मैं BSc सेकेंड ईयर मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और मैं दिल्ली से कर रहा था, डीयू से। ठीक है, जो दिल्ली साइड के हैं उन लोगों को पता है। और मैं PCM से था, ठीक है, 10th 12th PCM से, कि आगे मैं PCM से BSc कर रहा था, वो छोड़ के आया, तो कंप्लीट नहीं हूँ। ठीक है, दुबई से मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स किया और बस यही था। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने 12th पास करने के बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया था, जिसकी जॉब मैं दुबई का करने के लिए आया था। ठीक है, तो लगता है आपके तीनों क्वेश्चन यार प्लेन तो ही जा पहले, मुझे लगता है अभी एयरपोर्ट के पास रहने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए अच्छे से। ठीक है, तो आते हैं सीधा मेन टॉपिक पर कि दुबई ड्राइविंग लाइसेंस। तो भाई मैं आपको पहले ही बताता हूँ, मैंने दुबई में छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया, और मैं जितना भी हूँ, ठीक है, मैं मतलब मेहनत करके आया, मेरी माँ का आशीर्वाद था, बस जो भी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ तक आया तो मुझे हर चीज़ पता है भाई। ठीक है ना, तो मैं हर सिचुएशन से निकल के आ गया। आप जैसे हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, सेम ऐसे ही हूँ मैं भी हूँ। ठीक है, मेरे में कोई चेंजेस नहीं है, कोई 10 हाथ नहीं है, ऐसे सेम ऐसे ही है आप जैसे ही हूँ। ठीक है, आपसे कमज़ोरी होऊंगा मैं नॉलेज में भी और एक्सपीरियंस में भी। ठीक है ना, जो लोग बोलते हैं ना, आप लोगों को बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं वो पैकेज इतने का दे रहा है, वो इतने का दे रहा है। ठीक है, देख भाई सीधी सी बात है, इधर ड्राइविंग लाइसेंस में भाई जो भी आप देख रहे हो ना मेरी वीडियो को, जिधर तक भी वीडियो जाएगी, कभी भी मेरी वीडियो देखोगे, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई सिफारिश नहीं चलती। इस वीडियो को मेरे कहीं भी दिखा दो भाई, जो दुबई के अंदर एक बार आ गया ना उससे वीडियो मेरी दिखा दो। और अगर जो वो बोलते हैं ना, अगर जो कोई बोलेगा सिफारिश चला तो भाई वो बड़े आदमी बोलते हैं कि आपका जूता मेरा सिर। ठीक है, और इससे ज़्यादा भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, जो बंदे आपको बोल रहे हैं, आपको बोलते हैं कि हम सिफारिश चल जाएगी, चाहे वो इंडिया के अंदर में बैठा चाहे दुबई के अंदर में, तो वो सीधी मैं बात बता रहा हूँ, कल को अगर जब मैं भी बोलूँगा ना आपको कि मेरी सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं चलती भाई इधर। ठीक है, लाइसेंस की उसमें कोई सिफारिश नहीं चलती कि भाई आप पैसे में, आप मैं आपको बोलूँ कि मेरे मेरे से पैसे दे दो, बस वो पैसे खाने वाली बात है।
ठीक है, अगर जो आप दुबई में लाइसेंस बनवा रहे हो, आपको कोई बोले कि मेरी सिफारिश से आप मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं सेटिंग करवा दूंगा उधर, वो कर, कुछ सेटिंग नहीं होती भाई उधर। ये भाई सीधी में बात बोलता हूँ, ये इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है कि उधर ड्राइविंग सेंटर में जाना भी नहीं यार, आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, इधर दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे भाई, ये कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके तक ये वैलिड होता है। ठीक है, आप किधर भी इसके बेसिस पे जा सकते हो, ओनली लाइसेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यार आप इस चीज़ में कैसे सोच रहे हो कि फ्रॉड हो सकता है? जो भी आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास ये लाइसेंस, आप मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं आपकी फाइल ओपन करवा दूँ आपको जल्दी, 1 महीने, हाँ बोल रहे हैं कि 1 महीने, 2 1.5 महीने में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। भाई अगर दुबई में साइकिल का लाइसेंस होता ना, साइकिल का, तो साइकिल का लाइसेंस भी नहीं मिलता, साइकिल का लाइसेंस भी नहीं मिलता 1.5 महीने में। जो लड़के बोलते हैं कि भाई आप लोगों को बस वो बोलते हैं ना, वो ठगने वाला सिस्टम बोलते हैं बस। ठीक है, तो भाई जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, तो भाई सेटिंग नहीं होती इधर मेरे भाई। मैं लाइसेंस बना चुका हूँ, 2 लाइसेंस बना चुका हूँ मैं दुबई के अंदर। अगर जो होती मैं आप लोगों से बता सकता था ना कि भाई उधर सेटिंग हो सकती है, जॉब में सेटिंग हो जाती है इधर, जॉब में आदमी ले दे के कर लेता है जुगाड़। ठीक है, वीज़े में हो जाती है, जिस चीज़ में हो जाती है वो तो मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लेना है भाई आप लोगों से, या मैं आप लोगों ने मेरे को कुछ देना है, मेरे को कुछ बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है ना मेरा काम है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ भाई, ठीक है, मैं ऐसी सिचुएशन से निकल के आया कि लोग सुसाइड कर लेते हैं उस सिचुएशन में जाके। ठीक है, सीधी सी मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों की हर एक बात समझता हूँ यार, जितना मेरे हाथ में होता मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जितना अगर जो आप बोलते हैं जॉब, मतलब जॉब में हो जाता है जुगाड़, ले दे के पैसे, ले दे के आदमी का हो जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, वैसे दुबई की फ्री जॉब होती है, लेकिन इधर एजेंट बैठे हुए हैं, और जगह सेटिंग हो जाती है। ठीक है, दुबई लाइसेंस में चाहे वो आप बस का ले रहे हो, चाहे आप ट्रक का ले रहे हो, चाहे आप बाइक का ले रहे हो, चाहे आप गाड़ी का ले रहे हो, ठीक है, छोटा गाड़ी का, चाहे आप JCB का ले रहे हो, भाई किसी चीज़ का भी ले रहे हो, अगर जो भाई कोई बोलता है ना आपको कि सेटिंग हो, तो ये मेरी वीडियो दिखा दो उसको, सीधी सी बात है, ये मेरी वीडियो दिखा दो। और भाई मैं अगर जो बोलेगा ना कि भाई मेरे इतने, मैं तो भाई मैं खुद उसके पास जाऊंगा, ठीक है, कि भाई मेरा भी बनवा दो, मैं आपको अगर जो आप 2,000 बोलोगे 4 दूंगा, 4 बोलोगे तो 6 दूंगा। ठीक है, तो दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई धर्म को 10,000 बोलेगा तो मैं 12,000 दूंगा उसको दुबई धर्म में। ठीक है, तो मेरे लाइसेंस बनवा दो भाई। ठीक है, तो जो बंदा भी भाई ऐसा बोल रहा है उसके पास ये मेरे वीडियो लेके जाओ, और मैं दुबई के अंदर में बैठा हूँ, अपना नंबर पर्सनल नंबर में शेयर करूँगा, और दुबई में किधर भी होगा, पूरे UAE में किधर भी होगा यार, दुबई तो छोड़ो, मैं उसके पास जाऊँगा। ठीक है, सेटिंग कुछ नहीं होती भाई, आपने 0 से स्टार्ट करना है वो लेना है, सीधी बात है यार। दुबई के अगर जो आपके पास लाइसेंस है ना, तो आपको मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको 40 से 50 हज़ार रुपये इंडिया के मिलते हैं स्टार्टिंग में, आपको कुछ भी नहीं आता है, ओनली लाइसेंस के बेस पे मिलते हैं ना वो, तो लाइसेंस इतनी जल्दी नहीं मिलता है दुबई का। मैं खुद बताऊँ, मैं 2 लाइसेंस लिया तो मतलब मैं रोने लगा था यार, क्योंकि एक तो पैसा नहीं था मेरे पास, ऊपर से मेरे को फैल करते थे, और मैं मतलब बहुत चीज़ होता है। एक कुछ बंदे, मैं आप लोगों से एक बंदे का इंटरव्यू लूँगा, मेरा दोस्त बना हुआ है बहुत अच्छा, पाकिस्तान से है वो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मतलब शेयर करते हैं। वो बंदा मेरे से अच्छे, उसके मार्क्स आए हर उसमें मेरे से अच्छा गया, मतलब हर जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ उसमें मेरे से अच्छे आए, जो सिग्नल टेस्ट हुआ सिम मेरे से, मतलब मैं उससे बहुत पीछे था, उसके 40 में से 40 आए थे, मेरे 40 में से कितने आए थे, 31। ठीक है, मतलब 30 पे पास हो रहा था, मेरे 1 नंबर ज़्यादा आया था, इतना मेरे से आता है उसका। आज तक बेचारे का लाइसेंस नहीं मेरा, मेरे को 2 साल पूरे होने वाले हैं, 1.5 क्रॉस कर गया। ठीक है, तो भाई सेटिंग होती तो भाई मैं उसकी सेटिंग करवा देता, या खुद वो सेटिंग कर लेता, वो भी दुबई में रहता है ना, तो भाई सेटिंग कुछ नहीं होती इधर आदमियों के, भाई 20-20 हज़ार धर्म लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, कोई बंदा 4 महीने में बना लेता है मिनिमम मिनिमम। अगर जो आप लोगों से अच्छी ड्राइविंग आती है, आप अपने मुल्क में चलाते हो, तो किसी किस्मत अच्छी है, अच्छी चलानी आती है, किस्मत अच्छी है, और भाई उसके कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं भाई। ठीक है, 4 से 5 महीने, इससे पहले नहीं ले सकता। ठीक है, और पैसे की बात बताऊं, पैसा 7 से 8 हज़ार लग जाता है मिनिमम में, मिनिमम मिनिमम की मैं बात बता रहा हूँ, इससे कम नहीं लगता, क्योंकि वो फैल करते हैं जानबूझ के, उनकी कमाई है भाई वो। ठीक है, वैसे बताएंगे आपको 4 हज़ार में बन जाएगा, फिर वो फैल करेंगे, फिर सिग्नल टेस्ट में फैल करेंगे, मतलब मिनिमम की बात बता रहा हूँ मैं, 7 से 8 हज़ार दरम लगेगा, मतलब इंडिया का, और 1.5 से 1.5 लाख से ऊपर ही लगेगा।
किसी का तो 4 लाख तक लग जाता है, किसी को बीस, मतलब दुबई का 20 हज़ार लगा, मैं खुद 1,80,000 लगाया था भाई, ठीक है। तो मुझे पता है कितना लाइसेंस, क्योंकि जानबूझ के फेल करते हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं यार ये रोड पे जाके एक्सीडेंट ना करे, दूसरे की जान ना ले। अच्छे उनका बिजनेस है, उनको पैसा भी मिलता है, और बंदे को ऐसा मतलब स्ट्रोंग बना देते हैं वो लोग। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो यार कि इसमें कुछ रिश्वत हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई। जो बंदा भी आपको बोल रहा है उसकी ये वीडियो मेरे पास भेज दो उसकी, ठीक है, उसको भेज दो कि भाई मैं खुद उससे अपना लाइसेंस बनवाऊंगा, ठीक। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो आप लोगों से बस पैसा खाना चाहता है, वो आप लोगों से ठगी करना चाहता है, सीधी बात पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं ठगी करना, वो ठगी करना चाहता है आपसे, कुछ भी नहीं करना चाहता बस वो। आप एक, हाँ एक वो बोलते हैं आपको वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब मेरे दिल से कोई बात निकलती है ना, मतलब मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों से, वो बोलते हैं कि भाई ए भगवान कि भाई आज़ाद वीज़ा लेके आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। यार अगर जो हमारे पास आज़ाद वीज़ा, पहली बात तो आज़ाद वीज़ा कुछ होता नहीं, अगर जो हमारे पास इतना पैसा होता कि हम तेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए तो हम तेरे को आज़ाद वीज़े का दे दें, फिर हम दुबई में आके लाइसेंस बनाए। अगर जो आप कार का लाइसेंस बना रहे हो, आपके पास लाइसेंस मिलने के बाद भी 6 महीने तक आप गाड़ी नहीं चला सकते, जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने से पहले इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी माइंड में रखो। लाइसेंस बनाने के लिए आपने आज़ाद वीज़े पर आ गए, आप लाइसेंस बना रहे हो, 1.5 से 2 लाख तो आपने वीज़े का दे दिया, फिर आप 2 लाख से 2.5 लाख रुपये तक मिनिमम, आप डेढ़ मिनिमम की बात बता रहा हूँ, मैं इंडियाई रुपीज़ की बात कर रहा हूँ भाई, मैं डेढ़ मिनिमम, लेकिन 2 से ऊपर ही लगता है, ठीक है, वो आप लोग दे रहे हो, कितने हो गए टोटल काउंट करते रहो। उसके बाद आप कम से कम 7 से 8 महीना, 5 महीना भी हो सकता है, 6 महीना, 7 महीने, 1 साल भी हो सकता है, आप फ्री बैठोगे, आपके पास कोई काम नहीं। इतना पैसा होता तो अगर अपने मुल्क में 5-6 लाख में छोटा मोटा 5-6 लाख में अच्छा बिजनेस जोड़ सकते हो भाई, दुबई के अंदर में, सॉरी इंडिया के अंदर में, ठीक है, कोई दुकान खोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार। अगर जो आपके पास इतना पैसा हो, आप क्या इधर क्या धक्के खाने के लिए थोड़े ही आएंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बताओ। तो मेरे कहने का मतलब यह है भाई, जुगाड़ जुगुड़ कुछ नहीं होता है, जॉब में जुगाड़ हो जाते हैं, ठीक है, इस वैसे काम में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी नहीं होता। और भाई आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, उस बंदे तक पहुंचा देना जो भाई बंदा जिसके ऊपर मैं वीडियो बना, अगर जो आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो उस बंदे तक पहुंचा देना भाई ये वीडियो जिससे आपने बात किया होगा, ठीक है। तो डज नॉट मैटर कि भाई कौन बंदा है कौन नहीं, क्योंकि मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा सीधा सिस्टम, मैं किसी को देता नहीं तो किसी से लेता भी नहीं, सही है ना। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बहुत सारी, मैं भी जाके कुछ खाना पीना खा लेता हूँ, सुबह ड्यूटी जाना है, ओके टेक केयर, बाय बाय।